करो। बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, दिखता है बाबा आता है आपके घर में आता है बाबा, जहाँ बाबा ने बाबा के बच्चे हैं, जहाँ बाबा का बैच पहना हुआ है, मुरली सुनते हैं, उसके घर में रोज बाबा आता है, दिखता है कैसा दिखाई पड़ेगा? जब होश में बैठेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा, अब बेहोश में होंगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा? अब कोई व्यक्ति शराब पीकर के गटर में गिरा है और कोई व्यक्ति तो बेसु कहता है अरे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब गटर में गिरा है लेकिन क्या समझते हैं? इसी तरह हम भी निद्रा के नशे में है और बाबा को क्या कहते हैं, बाबा से बेटा आपके भी मुझसे बच्चे कुछ चाहिए लेकिन हम क्या कहते हैं बाबा कुछ नहीं चाहिए मैं यहाँ राजा हूँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे अलर्ट होकर के बैठो, एक्टिव होकर के बैठो, ऐसा वैसे योग में नहीं बैठो, आंखें खोल करके बैठो। तो अमृत वाला जी उसके बाद दूसरा है क्लास के पहले योग जरूर करना। आजकल कई भी सेंटर पर जाता हूँ जब 7 बज गया फुल क्लास हो जाएगी और उसे पहले कोई नहीं आएगा, तो इक्का दुक्का दूसरा करता योग करेंगे नहीं, जो योग नहीं करेंगे शाम तक उसके मुरली दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं आएगा, पूछे कि आज का वरदान क्या बहुत अच्छा है, स्लोगन क्या बहुत अच्छा है, मीठे बच्चे भी क्या बहुत है, अरे बताओ तो क्या था बहुत अच्छा था, दिमाग से निकल गया गरम दिमाग पर डाल दिए। इसलिए मुरली को समझना है आधा घंटे का योग करो, इस समाप्ति की बरस में आज से यहाँ से पक्का करके जाओ मुझे रोज सेंटर पर जाकर के योग करना है, क्योंकि आधा घंटा संगठन के योग से वायुमंडल अच्छा बनता है, शक्तिशाली बनता है। इसलिए रोज आज से क्या करेंगे क्लास के पहले, क्लास कितना 7 बजे होता है, 6:30 बजे आना, 7 बजे तक अच्छी तरह सभी मिल करके योग करना, तब आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी, डबल लाइट बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। और तीसरा मुरली को ध्यान से सुनना, और मुरली कहाँ सुनना, सेंटर पर। आजकल कई कहते हैं नहीं जी हमारे घर में आजकल बाबा आता है, पीस ऑफ माइंड चलता है, व्हाट्सएप में चलता है, फेसबुक, अगर पीस ऑफ की मुरली सुनेंगे वहां बैठ करके सेंटर पर नहीं आएंगे तो सत्युग में नहीं आएंगे, कहां जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे, आपको त्रेता युग में जाना है सत्युग में जाना है, तो सत्युग में जाना है तो मुरली कहां सुनिए, संगठन में।